नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फो इन हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं लिम्फोसाइट के बारे में, जैसे कि लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट नॉर्मल काउंट कितना होता है और लिम्फोसाइट कब बढ़ता है, लिम्फोसाइट कब घटता है, साथ ही इसके कंट्रोल करने के उपायों के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बात और, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट्स अपने मोबाइल पर पा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि लिम्फोसाइट होता क्या है। अगर लिम्फोसाइट की बातचीत करें तो देखिए, समय समय पर कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लेकिन उनका कोई भी प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि नेचुरल तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम में कई ऐसे एलिमेंट, कई ऐसे अवयव मौजूद हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्हीं में से एक का नाम है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और एक का नाम है लिम्फोसाइट। सबसे पहले तो लड़ने का काम करता है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से WBC, और कभी कभी अगर WBC पहचान नहीं पाता है इन वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को, तो उनसे लड़ने का काम करता है लिम्फोसाइट। इस प्रकार से देखा जाए तो लिम्फोसाइट बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने का काम करता है, साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और हमें हेल्दी रखता है। तो आप समझ गए होंगे कि लिम्फोसाइट क्या है। अब बातचीत करते हैं कि लिम्फोसाइट नॉर्मल काउंट कितना होता है, यानी कैसे पता चले कि हमारा लिम्फोसाइट लेवल नॉर्मल है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे पहले CBC कंप्लीट ब्लड सेल्स की जांच करवाई जाती है, जिसके जरिए हमारे लिम्फोसाइट काउंट का पता चलता है। और इसमें अगर आपका नंबर्स में अगर मैं बातचीत करूं तो लिम्फोसाइट काउंट 1500 to 3000 होना चाहिए, और अगर परसेंटेज में बातचीत करूं तो यह 20% to 40% होना चाहिए। अगर आपका लिम्फोसाइट काउंट 20% से बिलो आया है, इसका मतलब कि आपका लिम्फोसाइट लेवल लो हो चुका है। और अगर आपका लिम्फोसाइट काउंट 40% अबव आया है, इसका मतलब यह है कि आपका लिम्फोसाइट काउंट बढ़ चुका है। इसकी नॉर्मल रेंज 20 to 40% होती है। चलिए दोस्तों, अब अगर बात करते हैं कि अगर लिम्फोसाइट काउंट लो आया है तो कौन सी बीमारी है, और अगर लिम्फोसाइट काउंट हाई आया है तो कौन सी बीमारी है, चलिए जानते हैं। अगर आपका लिम्फोसाइट काउंट बिलो 20% आया है तो इस सिचुएशन को लिम्फोपेनिया कहा जाता है, और अगर आपका लिम्फोसाइट काउंट अबव 40% है तो इस सिचुएशन को लिम्फोसाइटोटिस कहा जाता है। अब बातचीत करते हैं लिम्फोसाइट के प्रकार के बारे में। लिम्फोसाइट के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, लिम्फोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और NK सेल। NK सेल का फुल फॉर्म होता है नेचुरल किलर सेल। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये नेचुरल किलर हैं, प्राकृतिक हत्यारे इनको हिंदी में कहा जाता है। अब बातचीत करते हैं कि ये लिम्फोसाइट का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, और ये लिम्फ में पाए जाते हैं। अब बातचीत करते हैं कि लिम्फोसाइट अगर हमारा घट गया है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, या बढ़ गया है तो क्या लक्षण हो सकते हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिम्फोसाइट में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनके लक्षण इतने स्लो होते हैं, इतने ज्यादा धीमे होते हैं कि आपको पता नहीं लग पाएगा आपके लिम्फोसाइट लेवल के घटने या बढ़ने के बारे में। लेकिन फिर भी अगर आप 7 to 8 days, 1 week बाद अगर आप कुछ लक्षणों को देखते हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो लिम्फोसाइट लेवल के कम होने का, जैसे कि आपको बुखार आना, सर्दी जुकाम हो जाना, या फिर त्वचा पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाना, ये सारे लक्षण, बॉडी में थोड़ी बहुत सूजन आ जाना, ये सारे लक्षण लिम्फोसाइट लेवल के कम होने के सूचक हैं।
आगे अब हम लोग बातचीत करते हैं कि अगर हमारा लिम्फोसाइट लेवल कम हुआ है तो क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से लिम्फोसाइट लेवल कम होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी जो वजह है लिम्फोसाइट लेवल के कम होने की वो यह है कि आप कोई बॉडी अंडर न्यूट्रिशन है। अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि आपको जो भी आवश्यक मात्रा में एलिमेंट्स चाहिए है बॉडी को ग्रो करने के लिए या बॉडी से वर्क करने के लिए, डेवलप करने के लिए, वो उसको मिल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका लिम्फोसाइट काउंट लेवल लो हो जाएगा। या दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपकी बॉडी ने लिम्फोसाइट बनाना ही बंद कर दिया हो। इसके अलावा भी कुछ और बीमारियां हैं जिनकी वजह से लिम्फोसाइट काउंट लेवल कम हो जाता है, और ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसी वायरस या फंगस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती हैं। उन बीमारियों के नाम भी एक बार जान लेते हैं दोस्तों। लिम्फोमा के कारण भी आपका लिम्फोसाइट काउंट कम हो सकता है। लिम्फोमा कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली एक टेक्निक है, या कीमोथेरेपी के द्वारा भी आपका लिम्फोसाइट लेवल का काउंट कम हो सकता है, या रेडिएशन थेरेपी भी है, या फिर अगर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो स्टेरॉइड नाम का एलिमेंट लेते हैं जिसकी वजह से भी लिम्फोसाइट काउंट कम हो सकता है। अब बातचीत करते हैं कि लिम्फोसाइट काउंट क्यों बढ़ता है, उसके क्या रीजन है। तो इसके पीछे की रीजन कुछ सामान्य सी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से आपका लिम्फोसाइट काउंट का लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि वायरस, फंगस या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, जैसे कि आपका डिफ्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, एड्स, टीबी, ये इतनी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से आपका लिम्फोसाइट काउंट बढ़ सकता है, यानी कि अबव 40% हो सकता है। अब बातचीत करते हैं कि अगर आपका लिम्फोसाइट काउंट बढ़ चुका है या आपका लिम्फोसाइट काउंट घट चुका है तो इसे कैसे नॉर्मल रेंज में लाया जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमें इस कारण का पता होना चाहिए कि हमारा लिम्फोसाइट काउंट किस वजह से बढ़ा है। सपोज करिए, अगर आपका लिम्फोसाइट काउंट किसी बीमारी की वजह से बढ़ा है तो सबसे पहले आपने उस बीमारी को ठीक करना होगा। जैसे ही आपकी वो बीमारी ठीक होगी, आपका लिम्फोसाइट लेवल का जो काउंट है वो नॉर्मल आ जाएगा। या फिर आपका अगर किसी थेरेपी की वजह से आपका लिम्फोसाइट काउंट कम हुआ है तो जैसे ही उस थेरेपी का प्रभाव या 10-15 दिन गुजरेंगे या 10-15 दिन पास होंगे तो आपका ऑटोमेटिक लिम्फोसाइट काउंट नॉर्मल आ जाएगा। तो कई लोग क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में लिम्फोसाइट काउंट को नॉर्मल लाने के लिए घरेलू नुस्खे का यूज करने लगते हैं, जो मेरी सलाह से बिल्कुल गलत है। आपको एक अच्छे डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। इससे होगा क्या कि वो आपके बॉडी में यह सबसे पहले पता लगाएंगे कि आपकी किस वजह से लिम्फोसाइट काउंट कम हुआ है या बढ़ा है, और वो उस बीमारी को खत्म करेंगे, और जैसी वो बीमारी खत्म होगी आपका लिम्फोसाइट काउंट नॉर्मल आ जाएगा। तो इसके लिए घरेलू नुस्खे ना अपनाकर आपको एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से लिम्फोसाइट से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।